हरियाणा में पुलिस की दबिश के बाद भिखारियों में हड़कंप। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इनको पकड़कर वो इस तहकीकात में जुट गए हैं, कहीं इनमें कोई जासूस तो नहीं छुपा हुआ, और यह भी जांच कर रहे हैं कि जो बच्चे इनके पास है वो कहीं किडनैप तो नहीं किए हुए हैं। पुलिस की इस दबिश के बाद भिखारियों में हड़कंप मच गया, वो बेताशा इधर उधर भागने लगे। कुछ पुलिस की गिरफ्त में आ गए और कुछ भाग निकले। पुलिस की माने तो यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दरअसल हमारे माननीय सीपी साहब ने मुहिम चलाई है, जिसके तहत जो भी सड़कों पे, मंदिर के सामने, चौक इत्यादि में भिखारी होते हैं या फिर लोग बैठे रहते हैं, उन सबको वेरीफाई कर रहे हैं। ये बहुआयामी एक हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा शक्की व्यक्ति, कोई जासूस टाइप के व्यक्ति इसमें शामिल तो नहीं है। दूसरा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर है उन सबको वेरीफाई करना चाहते हैं। तीसरा, जो इनके पास बच्चे होते हैं उन बच्चों का भी हम एक डेटाबेस तैयार करेंगे कि ये बच्चे इनके ही हैं वाकई, या कहीं और से कोई ऐसे बच्चे तो नहीं जो किडनैप करके उठा कर लाए गए। इन सबके पास, जितना अभी तक देखने में आया, सबके पास अपने अपने आईडी कार्ड्स बने हैं, जिस जिस स्टेट से आए हैं। कुछ राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं या बिहार से हैं। तो एडल्ट्स के पास अपने अपने आईडी कार्ड हैं, और इनकी फ़ोटो वगैरह लेके उस स्टेट से भी कंफर्म कर सकते हैं। फिर हमारे सांच के जरिए भी हम लोग स्टेट पुलिस को लिख के कंफर्म कर सकते हैं। ये इनमें हमारे पास एक नेशनल डेटाबेस है बच्चों का, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक इन्फॉर्मेशन होती खोया पाया की। इन बच्चों की फ़ोटो को उस फोटो से मैच भी किया जा सकता है, और यहाँ पे भी हम लोग अपने लोकल स्तर पे इनका डेटाबेस तैयार करेंगे, जो कि बाकी एजेंसियों से शेयर करेंगे। देखिए, इनकार नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्राइम में लिप्त हो, लेकिन जब तक इनका डेटाबेस बनाने का यही मकसद है, कल को अगर कोई ऐसा क्राइम होता है जहाँ पर इसमें से कोई व्यक्ति अगर नज़र आता है, तो ये पुलिस के लिए भी इन्वेस्टिगेशन करना आसान होगा।